बेटा क्वेश्चन नंबर 27 भी बिल्कुल लगभग वैसे ही है। इसमें आपकी बार कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दे दिया है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया है, ऑफ ईएमएफ लगाया है। कितने का है? 250 वोल्ट। और आपको जो रिएक्टेंस दिया है ये 40 ओम का दिया है और कैपेसिटर के क्रॉस रिएक्टेंस 30 ओम। आपसे पूछा गया है कि भाई इसकी वोल्टेज बताइए कितनी होगी और इसकी वोल्टेज बताइए कितनी होगी। तो मित्रों सीरीज में लगा है, अगर हम करंट निकाल लें सर्किट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट गुणा कर लेंगे मिल जाएगा। तो आप जेड निकाल लीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि सॉल्व करेंगे तो आपको 50 ओम आ जाएगा। करंट निकाल लीजिए, करंट वी अपॉन जेड, वी है 250 दिया हुआ है, 50 यानी 5 एम्पीयर। अब आप बड़े आराम से करंट तो आई बहेगी सब में, तो आप कह सकते हैं वी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस 5 × 30 150 वोल्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर देखने मिलता है आपको, वी आर इज इक्वल टू आई आर 5 × दोनों वोल्टेज जोड़ दीजिए, एक कितना हो जाएगा 350 और टोटल प्रोवाइडर 250 वोल्ट का है। सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है।